हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर की सब्जी। तो हमने 500 ग्राम पालक ले ली है, अच्छे से वॉश कर ली है। इसके बाद हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक सीटी लगने तक पकाएंगे। इसके बाद हमने ले लिया पनीर और लहसुन प्याज का पेस्ट। अब पालक हमारी देखो पक चुकी है। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे इसको एक थाली में और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल और इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग। इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून चुका है। इसके बाद में डालेंगे हल्दी और लहसुन प्याज का पेस्ट और इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे पालक और इसमें पनीर, 200 ग्राम पनीर लिया है दोस्तों हमने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको ढक देंगे और इसको अच्छे से 15 मिनट तक पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लीजिए, तैयार है बनके टेस्टी सब।